समथिंग डिलीशियस और आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी अनानास। उसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए हैं? एक अनानास स्क्वायर पीस में कटा हुआ चौकोर, 1 कप हंकर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हनी, मस्टर्ड ऑयल, पिसी इलायची, चाट मसाला और स्टूल्स को पानी में डुबो के सॉफ्ट करने के लिए रख दिया है। लेमन, 1 चम्मच काला नमक, 2 छोटे चम्मच टीस्पून सफेद नमक, 2 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, शिमला मिर्च एक कटा हुआ पीसेस में ऐसे बड़े बड़े। इतनी चीजें हमें चाहिए हैं तंदूरी अनानास बनाने के लिए। तो आइए हम मिक्सचर रेडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, फिर इसमें हम डालते हैं मसाले, नमक, काला नमक, पिसी मिर्च और पिसा जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अंदाजे से भी ले सकते हैं आप और स्पून के हेल्प से भी ले सकते हैं, लगभग 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा चाट मसाला ना कि उसको एक अच्छा सा फ्लेवर दे सके। अब हम इसमें मिक्स करेंगे पिसी हुई इलायची थोड़ी सी फ्लेवर देने के लिए। अब आती है बारी शहद की। अब इसमें हम 1 चम्मच शहद ऐड कर देते हैं। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसमें मिलाएंगे हंकर, 1 कटोरी जो हमने रखा था निकाल के अलग, ये सारा इसमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया। अब हम इसमें निचोड़ते हैं लेमन जूस इसमें मिक्स करेंगे टेस्ट को एनहांस करने के लिए, कुछ खट्टा कुछ मीठा। पाइनएप्पल मीठा है तो हम इसमें थोड़ा सा सार फ्लेवर देने के लिए लेमन जूस डाल रहे हैं।
से एक बार इसको फेंट लीजिए। अब हमने इसमें पुदीना यानी मिंट लीव्स, और अगर नहीं है आपके पास तो धनिया पत्ती डाल दीजिए। वैसे मिंट लीव्स डालेंगे तो एक अलग ही फ्लेवर आएगा। हमारे पास मिंट लीव्स नहीं है अभी, तो हम कोरिएंडर यूज कर रहे हैं यानी कि धनिया। और अब इसको फिर से एक बार फेंट लेते हैं। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें अनानास धीरे धीरे हम डाल देते हैं। अब एक स्पैचुला की मदद से इसको आप मिक्स कर दीजिए। अब देखिए इसको अच्छे से हम स्पून या स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे इसमें मिक्सचर में। क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। हमारा तो दिल अभी से करने लगा इसको खाने का। वाओ, देखिए इस तरीके से इसको हम मैरिनेट करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब इसको रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम स्क्वायर में इस तरीके से डालेंगे। एक पीस पाइनएप्पल और एक पीस कैप्सिकम। इस तरीके से इसको लगा दीजिए और एक ट्रे में रखते जाइए। इस तरह से हमने स्क्वायर में ये सारे पीसेस डाल दिए हैं और अब हम इसको नॉन स्टिक पे बिल्कुल सिम आंच पे सेकेंगे।